आपकी सैलरी 20,000 हो या 50,000, आपको जानना होगा एक पैसों का रूल, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे, हम बचत कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा रूल जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे, जिससे हमारे ऊपर जो कर्ज है वो भी खत्म होगा और हमारे घर भी बखूबी चलेंगे। ये कौन सा रूल है ये मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अगर आपके दिमाग में 50-30-20 रूल आएगा तो ये वो रूल नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट हुआ है। और ये जो रूल है, इस रूल को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा घर बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और थोड़ी चीजें समझनी है कि कैसे कैसे हमें इसमें पैसे बचाने हैं और कैसे कहां पे हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रूल है हमारा 40-30-20-10। 40-30-20-10, देखिए चार यहाँ पे कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है किसे, अपनी सैलरी को। अब थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। 40 में क्या है दोस्तों कि हमारी सैलरी जितनी भी है, हमारी सैलरी 30,000 है या 50,000 है या 1,00,000 है, उसका 40% जो है वो हमें अपने जो भी हमारे बेसिक नीड्स है, जिसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता है, उसमें लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो उसका 40% 40,000 होता है। तो 40,000 में हमें अपने घर का किराया और EMI, उसके साथ बच्चों का जो भी ट्यूशन, स्कूल फीस, फिर आपका खाने पीने का खर्चा, ये सारा चीज़ जो बेसिक होता है ये हमारे 40% में आएगा। यहाँ हमारा 40% यूज होगा। 30% में हम ले जाएंगे जैसे हमारे कुछ शौकिया खर्चे होते हैं, शौकिया खर्चे की, जैसे कि हमें बाहर खाने पीने के लिए जाना है, हमें कपड़े खरीदने हैं, ये सब जो होता है। जैसे ये ऐसा नहीं है कि हम हर मंथ में करते हैं, हम कुछ अपना इमरजेंसी फंड वगैरह जमा करते हैं, ये भी इस 30% में आएगा। तो 30% हमारे शौकिया में जाएगा और 40% जो था वो बेसिक नीड्स में गया, 30% हमारे शौकिया खर्च में, जो हमारे वॉन्टेड होंगी वो सब हम में खर्च करेंगे। दोस्तों, 20% जो आएगा वो आएगा हमारे डेट में। देखिए, अगर हमारे ऊपर कर्ज है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे पास 3,00,000 का, हमारे पास 5,00,000 का कर्ज है, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे पैसे को बचाएं। देखिए, अगर कर्ज है ना तो सबसे पहले कर्ज को उतारिए, क्योंकि अगर आप कितने भी पैसे बचा लेते हैं लेकिन आपके सर पे कर्ज है तो वो पैसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। तो करना क्या है ना कि सबसे पहले हमें पैसे बचाने हैं, सेव करने हैं, और उन पैसों से सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा कि हमें कर्ज को खत्म करना है। अगर कर्ज हमारा खत्म हो गया, लोन हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारे पैसे ज्यादा बचेंगे और बहुत तेजी से बचेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपकी सैलरी का जो 20% होता है वो आपके डेट में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1,00,000 के को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो 20% जो होता है वो 20,000 होता है। तो 20,000 में अगर हमने कोई लोन ले रखा है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, तो हम उसे वहां पे लगाएंगे 20% को। अब रही बात 10% की, तो 10% देखिए एक चीज और होता है ना कि जब हम कमाते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, हमारी सैलरी आती है, तो कुछ पैसे हमें अपने लिए रखने चाहिए। अपने लिए मतलब अपने ऊपर खर्च करने के लिए मैं कह रही हूँ। खर्च करने में क्या आता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाजार जाइए, अपने लिए ढेर सारे कपड़े वगैरह लेकर आइए, ये भी तो खर्च करना होता है। नहीं दोस्तों, ये खर्च करना नहीं होता है। आपको खर्च यहाँ पे ये करना है कि आपको कोई नई स्किल सीखनी है, वो चीज सीखनी है जिससे आप और पैसा कमा सकें। बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि जैसे हम जानते हैं, लेकिन पता है आपको, वैल्यू बेस्ड चीजें अगर हम जानेंगे, अगर किसी चीज को, जब पब्लिक को जिस चीज की जरूरत होती है और वो चीज अगर हम दें तो हमारे पास पैसे होंगे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो एक टीचर होता है, वो टीचर क्या करता है कि एजुकेशन देता है बच्चों को, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसकी डिमांड होती है। सिमिलरली एक अच्छे डॉक्टर के पास भीड़ क्यों लगी रहती है, क्योंकि अपना वो वैल्यू दे रहा है, वो मतलब जो मरीज
हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका वो इलाज कर रहा है, तो इससे उनको पब्लिक जो है वो पैसे दे रही है, तो ये वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो अगर हम अपना 10% जो हमारे सेविंग का है वो अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उस 10% की सेविंग कीजिए, वो आपका अपना पैसा हुआ। दोस्तों बहुत लोग ये भी करते हैं ना कि जैसे मतलब मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, आप वर्किंग होते हैं और आप सोचते हैं कि हमने आज जाके 2000 के कपड़े ले लिए हैं तो हमने पैसे खर्च कर दिए। नहीं, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप वो पहन के प्रेजेंटेबल बन पाएं, तो ये आपका खर्च नहीं होता, ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है अगर आप बाहर जाते हैं। और नहीं तो अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 कपड़े हैं, आपको कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना है, तो 10 कपड़ों में भी आपका काम चल सकता है। नो नीड टू बाय द 11 वन, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको एक ऐसा रूल बताया जिस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि ये रूल हमारा क्या है, 40, 30, 20 एंड 10। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप भी इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और हाँ, मैंने भी जब ये रूल को जाना है तो मैं भी अपने घर को इस रूल से चलाई हूँ और मेरे पैसे जो 50-30 वाला रूल था उससे ज़्यादा पैसे इस रूल में बचे हैं। तो आई होप कि आपको ये रूल अच्छा लगा होगा। और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। Thank you. Thanks for watching.